सुनवाई से पहले सामने आया है कि एक शख्स ने नरसिंह के खाने में कुछ पाउडर मिलाया। WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने बताया कि रसोइये ने उस शख्स की पहचान भी कर ली है। संदिग्ध शख्स एक अंतर्राष्ट्रीय रेसलर का छोटा भाई बताया जाता है। इस मुद्दे पर भी NADA में चर्चा होने की उम्मीदें हैं। दूसरी ओर प्रवीण राणा का नाम भेजे जाने के बाद भी नरसिंह यादव की उम्मीदें पूरी तरह खत्म नहीं हुई। एक उम्मीद ये है कि अगर NADA से उन्हें हरी झंडी मिलती है तो WFI उस रिपोर्ट के आधार पर फैसला लेगा। नरसिंह का नाम UWW को दोबारा भेजा जाएगा। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को मारा, RSS के लोगों ने गांधी जी को मारा। इन दोनों बातों में बहुत फर्क है। जब आप किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं तो सतर्क रहना चाहिए। आप किसी की सामूहिक निंदा नहीं कर सकते। हम सिर्फ ये जांच कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिए क्या वो मानहानि के दायरे में है या नहीं। दरअसल गुजरात के ऊना में मृत गाय की खाल उतारने पर दलित युवकों को कार से बांध नग्न कर पिटाई किए जाने के बाद राहुल गांधी द्वारा वहां किए गए दौरे और उनसे मुलाकात के दौरान 46 वर्षीय कांग्रेस उपाध्यक्ष ने स्थानीय अस्पताल में एक महिला को गले लगाया। रमाबेन मुछाड़िया नामक इस महिला के बारे में पता चला है कि वह इनमें से किसी भी पीड़ित की रिश्तेदार नहीं थी। उक्त 55 वर्षीय महिला का आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जिनमें एक बिल्डर से जबरन वसूली के लिए फोन करने, दंगा और सरकारी अधिकारी के काम में बाधा डालने जैसे मामले शामिल है। कोर्ट ने कहा था कि जब तक आप पैसा नहीं जमा कराते तब तक हम आपकी याचिका पर सुनवाई नहीं करेंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट नोएडा एक्सप्रेसवे पर बनी एमरलेड कोर्ट की 44 मंजिली दो टावरों के मामलों की सुनवाई कर रहा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों टावरों को अवैध घोषित कर गिराने के आदेश दिए थे, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने 14% ब्याज के साथ खरीदारों को रकम वापस करने के लिए कहा था। कल वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राज्यों के वित्त मंत्रियों से बैठक की, जिसमें कई राज्यों के GST के मौजूदा प्रावधानों पर असहमति जताने के बाद सरकार इस हफ्ते GST को सदन में नहीं लाएगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि इस हफ्ते एक बार फिर सभी दलों खासकर कांग्रेस से बात की जाएगी और अगले हफ्ते बिल पेश करने की कोशिश होगी। राज्यों के साथ बैठक में इस सिद्धांत पर सहमति बनी है कि GST दर मौजूदा स्तर से कम रहनी चाहिए। दरअसल कई राज्यों में ये टैक्स लगाया गया है और कई व्यापारियों ने इस टैक्स को गैरकानूनी बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि राज्यों ने जो एंट्री टैक्स लगाया है वह संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। दरअसल दिल्ली पुलिस ने बुराड़ी की 14 साल की रेप पीड़िता की पहचान जाहिर करने के आरोप में उनके खिलाफ मामला दर्ज किया है। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ धारा 228A के तहत FIR दर्ज की है। इसके जवाब में स्वाति मालीवाल ने ट्वीट करते हुए दिल्ली पुलिस पर बेबुनियाद FIR दर्ज करने का आरोप लगाया है। मालीवाल ने लिखा है कि दिल्ली महिला आयोग ने 14 साल की रेप पीड़िता के मामले में बुराड़ी पुलिस को नोटिस भेजा था। दो दिन बाद पुलिस ने मुझ पर ही FIR दर्ज कर दी। कल हड़ताल के कारण दिल्ली के लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आज सरकार ने ऑटो और टैक्सी यूनियनों को बातचीत के लिए बुलाया है। आज कुछ यूनियन के सदस्य दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। दरअसल ऐप बेस्ड कैब सर्विस पर रोक की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। ऑटो टैक्सी वालों की मांग है कि बिना लाइसेंस के चल रही कैब सेवाएं बंद हो और अवैध ई रिक्शाओं पर कार्रवाई हो। दिल्ली में नए टैक्सी परमिट जारी ना हो, दूसरे राज्यों के ऑटो टैक्सी पर दिल्ली में लगे रोक। दरअसल व्यापम घोटाले से जुड़े मामलों की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने 12 मई को अहम फैसला सुनाया था। दो जजों की बेंच ने दो अलग अलग फैसले सुनाए। फैसले सामूहिक नकल से जुड़े 634 छात्रों के संबंध में थे। इसके साथ 32 आतंकी मिलकर इस योजना को अंजाम देने में जुटे हुए थे। ये खुलासा NIA की चार्जशीट में हुआ है। NIA चार्जशीट के अनुसार सिराजुद्दीन हनी ट्रैप के जाल में फंसकर इस खौफनाक वारदात को अंजाम देने जा रहा था। केन्या की एक लड़की कनीता मीना ने इस प्यार का झांसा देकर अपने जाल में फंसा लिया था। वह लीबिया जाकर इस लड़की से शादी करना चाहता था। सिराजुद्दीन उस लड़की से शादी करके जन्नत पाना चाहता था। मुंबई ब्लास्ट के लिए पुणे की एक 16 साल की लड़की का भी ब्रेन वॉश करके उसे कट्टरपंथी बना रहा था। रिम्पा हल्दर के पिता अनिल हल्दर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
कोहली और रणधीर दोनों ही अनेक हत्याओं के आरोपी हैं और रिम्पा हल्दर मामले में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। हालांकि 11 सितंबर 2009 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रणधीर को बरी करते हुए कोहली की सजा बरकरार रखी थी। अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस फैसले का दूसरा संबंधित मामलों पर कोई असर नहीं होगा। पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच फरार हुआ ये अपराधी फेसबुक के जरिए लगातार पुलिस महकमे को चुनौती देते हुए अपराध को अंजाम दे रहा है। किसी भी वारदात के अंजाम देने से पहले ये सोशल मीडिया में उसका ऐलान करके खुलेआम चुनौती देता है। हाल ही में इसने एक बार फिर फेसबुक पर स्टेटस अपडेट करके 10 दिनों के अंदर एक और वारदात को अंजाम देने का बात कही है। 5 लाख रुपए के इस इनामी बदमाश को पकड़ने के लिए कई आईपीएस अधिकारी और 20,000 से अधिक जवान लगे हुए हैं, लेकिन अभी भी वो इनके गिरफ्त से बाहर है। यूपी के संगम नगरी इलाहाबाद में भी ऐसा ही एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर में बसपा पर निशाना साधते हुए मायावती को सुपनखा और बीजेपी से निष्कासित नेता जयशंकर की पत्नी स्वाति सिंह को दुर्गा बताया गया है। इलाहाबाद के सिविल लाइन में लगे इस पोस्टर में लिखा है कि बेटी के सम्मान में समाज उतरा मैदान में। ये पोस्टर आरक्षण मुक्त महासंग्राम नाम के एक संगठन की तरफ से अनुराग शुक्ला नाम के छात्र नेता ने लगाया है। इस पोस्टर में मायावती नसीमुद्दीन सिद्दीकी पूर्व नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा गया है। यदि एक भी शिक्षा मंत्री कोर्ट में घुसा तो मामले की सुनवाई नहीं की जाएगी और ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा कि मामला सुनवाई के लिए उनके रिटायरमेंट से पहले नहीं आएगा। कोर्ट ने ये चेतावनी सुनवाई के दिन शिक्षा मित्रों की कोर्ट में होने वाली भीड़ को देखते हुए दिया था। पीठ ने कहा था कि 300 आदमी कोर्ट कक्ष में आ जाते हैं, जबकि उसमें 15 से 20 लोगों के खड़े होने की जगह है। शीर्ष सरकारी लेखाकार ने स्वदेशी विमान वाहक के निर्माण में विलंब के लिए आलोचना भी की। सीएजी ने संसद में कल पेश की गई अपनी रिपोर्ट में कहा कि विमान को विसंगतियों के बावजूद तकनीकी तौर पर स्वीकार किया जा रहा है। सीएजी ने कहा, मिग-29 के जो अनेक भूमिकाएं निभाने में सक्षम विमान हैं और हवाई रक्षा बेड़े का अभिन्न हिस्सा व एयरफ्रेम आर DMK-33 इंजन और फ्लाई बाय वायर प्रणाली में समस्याओं से ग्रस्त है। सोमवार को बतौर सीएम रमन सिंह ने 1230 दिन पूरे कर लिए। इस तरह उन्होंने पार्टी में नरेंद्र मोदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पीएम मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए बनाया था। सबसे ज्यादा हैरानी की बात ये है कि पार्टी नेता रमन सिंह को बधाई देने से बचते रहे। रमन सिंह ने 7 दिसंबर 2003 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसके बाद 2008 और 2013 के विधानसभा चुनावों में पार्टी ने उनके नेतृत्व में जीत हासिल की और उन्हें सीएम पद पर बरकरार रखा। ये बात एक शीर्ष अमेरिकी एजेंसी ने कही, जिसने इस बड़ी खोज में मदद की। USGS के संयोजक ने कहा कि बंगाल की खाड़ी जैसी खोज से गैस हाइड्रेट की वैश्विक ऊर्जा संसाधन क्षमता का फायदा उठाने और सुरक्षित तरीके से उनके उत्पादन के लिए आवश्यक प्रौद्योगिकी को परिभाषित करने में मदद मिलेगी। USGS ने कहा कि ये खोज दुनिया में अब तक सबसे व्यापक गैस हाइड्रेट उद्यम का नतीजा है, जिसमें भारत, जापान और अमेरिका के वैज्ञानिक शामिल है। अब डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रत्याशी बनी हिलेरी क्लिंटन का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप से इसी साल नवंबर में मुकाबला होगा। हिलेरी क्लिंटन अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन की पत्नी हैं। फिलाडेल्फिया में डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी प्रतिनिधियों ने हिलेरी क्लिंटन को राष्ट्रपति पद के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित कर दिया। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने कहा कि हिलेरी ने उन्हें पब्लिक सर्विस का नया नजरिया दिया है।